हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं डाउकी रिवर और साथ में हम लोग इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर भी देखेंगे। सो बहुत ही मस्ती करेंगे, बने रहे इस ब्लॉग में, लेट्स गो। चलो भैया, सो सारा सामान रख लिया अभी हमने, सभी रख लिया। चलो आगे बैठते हैं, आगे जाइए आप। चलो टर्निंग पॉइंट, और इतना अच्छा लग रहा था देख के। डाउकी रिवर आप जब भी आओगे ना, तो बीचों बीच रास्ते में आपको काफी खूबसूरत चीजें देखने को मिलेगा। चलो बीच पॉइंट में यहाँ पर एक और खूबसूरत व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा आपको। ओ भाई यार देख, फट स्लिप मार सर है, पूरा गड्ढा गड्ढा है यहाँ। कहाँ में रास्ता बना रहा है यार, देखो भाई क्या नजारा है भाई। ये चीज रखना नहीं चाहिए था पार्क के बीच में ना, स्लिप मार के नीचे गिर सकता है। चलो चलो चलते फिर, चले भैया। भैया सो हम लोग अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, और पंकज पूरा इंस्टाग्राम लाइव पे आया हुआ है और अपने दोस्तों को दिखा रहा है। चलिए भैया, सो हाय गाइस, अभी मैं हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे खूबसूरत स्टेट मेघालय शिलोंग, और इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस जगह का नाम है डाउकी रिवर। इसे उमंगोट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट एग्जैक्टली द प्रोनाउंसिएशन वी डोंट नो, आई डोंट नो, बट हम जाके ही वहाँ पर पता करेंगे कि इस रिवर को क्रिस्टल क्लियर रिवर भी कहा जाता है, वो कितना क्लियर है जाके पता चलेगा। चलो लेट्स गो। सीढ़िया देखो, अभी इतना बैलेंसिंग जा रहा था मेरा, वो उस तरफ देख रहा है, वो है बांग्लादेश बॉर्डर, वहाँ पर भी हम जाएंगे थोड़ी देर में। डाउकी रिवर, अभी थोड़ी देर में हम लोग नाव में चढ़ने वाले हैं। देख रहे हो भाई, काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पर दूर दूर से। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बोट में बैठने के लिए, उसके बाद हमारा सवारी भी शुरू हो जाएगा। सो सीधा तौर दावा भैया जा चुका है, अब मैं भी उठ जाऊंगा, बैठ जाएगा हमें। सो गाइस, डाउकी रिवर में अगर आप आते हो बोट राइडिंग करते हो तो 45 मिनट्स का 800 है ना भैया, 45 मिनट का। ओ भैया 45 मिनट का 800 है ना, 100 और 1 आवर का है 1200। सो हमारा जो जो हमारा जो इच्छा था कि एक बार डाउकी रिवर आए, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज में हमने देखे थे बट काफ़ी सालों से हम नहीं आ पा रहे थे, तो अभी समय मिल रहा है, हम सभी आए यहाँ पर। गाइस, एक साइड पर है पंकज और दूसरी साइड पर है ये सिद्धार्थ, और मैं बीच पर बैठा हुआ, हैवी हूँ थोड़ा, इसलिए बीच पे बिठाया गया मुझे। आ सकते हैं ना, हमें आएंगे क्या, इसे इसे ना इसे तैरना नहीं आता ना।
सो गाइज आप देख सकते हो अभी जिस वक्त मैं डाउकी रिवर पर खड़ा हूँ, यहाँ पर जो पानी है वो क्रिस्टल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। सो थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था तो एक भैया से, तो वो बता रहा था कि अक्टूबर टू नवंबर दिसंबर में अगर आप आते हो तो नदी का पानी पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, पूरा अंदर में जितने भी पत्थर है कंकड़ है वो सारे ऊपर से दिखाई देगा, यहाँ तक कि जो नाव में जो नाव का जो रिफ्लेक्शन है वो जो छाया है वो तक दिखाई देगा, ऐसा कहा है उन्होंने। सो लेट्स से यहाँ से अभी हम लोग जाते जाते कहाँ जाएंगे वो नाव वाला भैया दिखाएंगे। वो उस तरफ है बांग्लादेश गाइस, इंडिया और बांग्लादेश। सो अभी हमें पूछना है कि वो भैया से, और भैया जयंत हिल ये है या ये है? ये काशी हिल, ये जयंत हिल। सो गाइस डाउकी रिवर जो है वो दो हिल्स के बीच में है, इस तरफ है ये काशी हिल्स और इस तरफ है ये जयंत हिल्स, और इन दो हिल्स के बीच में है ये ब्रिज, ये दोनों हिल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, यू नो। तो एक दूसरे से यहाँ से जो भी सामान वामान ले जाना हो या यहाँ से आना जाना करना हो तो ये ब्रिज से जाता है। तो हम लोग जाएंगे उस तरफ ब्रिज में, अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे उस साइड पे। देखो भाई, और काफ़ी मज़े ले रहा है इन लोग भैया, अभी देखो पत्थर के पूरा नीचे बैठा हुआ है भाई, देख रहे नहा भी रहा है, पता है वहाँ पे बीच में हम लोग भी नहाऊंगा, अभी जम कर दे इसके नीचे। हाँ और नौ बल्ला भैया, ये तो कितना डीप है अभी? 30 डूब जाएगा तैरेगा तो भाई? अरे डूबेगा तो तैरना आता है ना। हाँ 30 फुट गहरा है बोल रहा है भैया। अभी हम जाएंगे उस तरफ से भी जाने का रास्ता है, इस तरफ भी जाने का रास्ता, उस तरफ से भी लोग आ रहा है भाई, देख रहे हो। बड़ा मजा आ रहा है ना, बड़ा मजा आ रहा है गाइस, बड़ा मजा आ रहा है। देखो मेघालय में था, ओह माय गॉड, देखो बांग्लादेश का कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है हमारा, देखो भाई इसीलिए सेफ्टी गार्ड नहीं लगाया, हम लोगों को तैरना आता है इस तीनों को इसीलिए, है ना। तुमको आता है तेरा तो एक बार गड्ढा नहीं है, देखो पत्थर दिखाई मिल रहा है, पत्थर हाँ सब दिखाई देगा अभी, क्रिस्टल क्लियर बोला का काम है अंदर बने ए मस्त मस्त हमको आस्ते नाव वाला भैया बुझ जाएगा, हिलो मत फिर डूब जाएगा, कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है। सो ये है आइलैंड, आइलैंड है, मुझे तो नहीं लगता ये आइलैंड है, उस साइड में होगा आइलैंड, यहाँ पे पलक बलक ऐसे लेते हैं, यहाँ पे कोने में नहा सकता है, लेकिन ना उन्होंने तो बीच में नहा रहा था, बांग्लादेश है ना। ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये है खासी हिल्स और ये है जयंत हिल्स, इन दोनों हिल्स एक दूसरे से कनेक्ट है इस ब्रिज के जरिए। सो गाड़िया जा रहा है भाई, देखो भाई अभी हम लोग ब्रिज से पूरा आगे निकल गया है, वो वहाँ पर होगा क्या पता नहीं। पंकज गाइस अभी मैं नाव चला रहा हूँ भाई, चला तो रहे हो पर हमें ऊपर मत पहुँचा देना। नहीं नहीं डोंट वरी भाई, पूरा फुल सेफ्टी है तुम लोगों का, काफी एक्सपीरियंस है मेरा नाव चलाने का। वो आगे से बोट आ रहा देखो, वो आइलैंड है ना, वो आइलैंड न क्या है वो आगे आगे ओ भाई यार देखो कैसी तेरी बातें, कहो ना बिहार का फिल्म का शूटिंग जैसा लग रहा भाई, ऐसा लग रहा है मैं ऋतिक रोशन की मूवी के शूटिंग सीन में आ गया है ना। बिल्कुल वैसे ही व्यू और वैसे ही नजारा दिख रहा है ना। वो सफेद वाला आइलैंड, वो सफेद वाला आइलैंड है पत्थर का भाई, क्या क्या होगा पीछे, क्या है पीछे, काफी अच्छा व्यू है।
अभी देखो भाई इसका स्टाइल शुरू। मजा आ रहा है? बहुत। पंकज भाई, पंकज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? पंकज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? पारे ने पारे टोटल क्लियर वाटर एशिया का, लेकिन फिलहाल तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी हम आए हैं मई के महीने में, तो वाटर इतना क्लियर नहीं है। आप देख रहे हो पूरा का पूरा ग्रीन है, पूरा का पूरा कह रहा है कि नवंबर टू दिसंबर में पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। और देखो भैया लोग यहाँ पर, इतने लोग आए हुए यहाँ पर देखो, सब टूरिस्ट सब दूर दूर से आए हुए। तो भैया हम लोग उस तरफ जाएंगे ना? किस तरफ? किस तरफ? काम में करेगा। ओला ड्रे और कपड़ा ले। ओ थैंक गॉड, मैंने कपड़ा ले, मैंने सोचा तूने कपड़ा लिया नहीं बोल के, क्योंकि स्विमिंग भी करना है भाई, इतना दूर है हम लोग डाउकी रिवर में, तो स्विमिंग करना तो बनता है भाई, करना है ना भाई? करना है। यार पैसे इतना गया और ऊपर से इतनी गर्मी है भाई, क्या करे, अभी स्विमिंग तो कर रहे गए हम लोग। यो तो आइलैंड है ना, स्टोला के मलाई आइलैंड में तो दुकान छ भन्ने थे। डाउकी डाउकी भी बोल्नु थियो। बांग्लादेश भन्ना? बांग्लादेश के सामने। हां वो वाला उस साइड में। बेटा इंडिया? नहीं जयंतिया हिल्स है ना ये। ऑल हिल साइड आर अंडर इंडिया। ओनली द लैंडस्केप एरिया और डिपेंड ऑन द बांग्लादेश। दिस इज आल्सो यू नो बांग्ला नॉट ए बांग्लादेश। हां ये भी बांग्लादेश पीछे। इंडिया The behind the side is called what? The Bangladesh. Only the land. The part are belongings to the Bangladesh. All the hilly areas belongings to the India people. Oh. So Jayantia Hills, this is a Jayantia Hills and this is a Khasi Hills. So these both hills are belong to India, but behind the scene, you know, it's called Bangladesh. We all are going to there, okay? So guys, अभी मैं हूँ डाउकी रिवर के खूबसूरत आइलैंड में, और ये दोनों पहले देखो भाई उतारना भूल गया मैंने। देखो मेरा सॉक्स भीग चुका है, मैं भूल गया वीडियो बनाते मैं सॉक्स पहन के अंदर चला। पानी पूरा ठेल दे रहा है। ओ भाई हाँ देखो पत्ता छोड़ दो, नहीं हमको लेके चल जाएगा भाई। आज क्रिस्टल क्लियर रिवर में हम लोग नहा रहे भाई, डाउकी रिवर में। चलो अंदर। ओ पानी में पानी में घुसेर ठंडा लाग्दैछ एकदम मस्त। क्या ही बोलू, यो ढुङ्गा आइसँग यहाँ म पक्रिन्छु डुबा त पुरा क्लिन देखेको छैन नि। पुरा क्लिन देखेको छ। भैया डाउकी रिवर में नहा के काफी मजा आया भाई, इतने सारे पत्थर है चल कर आने में इतना दिक्कत हो रहा है। सो गाइस काफी मजा आया। अब हम लोग कपड़ा चेंज करने के लिए जा रहे हैं उस साइड में,
चलो भाई पकड़ो तो वो भी दिखाएंगे जिंदा कपड़ा कैसे चेंज किया। चेंज तो लगाओ तुम कुछ भी तो नहीं किया। चलो ना मैं जूता है। चलो भाई चलो कपड़ा चेंज करेंगे आप ये खूबसूरत आइलैंड में। यहाँ पे सभी लोग हैं, कपड़ा चेंज करने में थोड़ा सा शर्म आ रहा है हम लोगों को। हो गया हो रेडी। अब हम जाएंगे बांग्लादेश की तरफ। चलो तो भाई चलो अब हम लोग जा रहे हैं उस साइड बांग्लादेश की साइड पे। सो नाव वाले भैया हमें कब से बुला रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं। तो हमारा स्टार्ट हो गया है भाई। देखो भाई इतने सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हेलो हेलो पंकज उधर जाओ बोल रहा तुमको। हाँ हो गया। और भाई इसको बैग पे रखो प्लेन। हो गया क्या धक्का देना है? धक्का देना है? धक्का देना है? अब भैया हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते। आइए तो फोन कर। ये ना ये क्या चीज है भैया? हाँ हाँ ओ भाई यार देखो सब पत्थरों को ये करके तैयार है। ओ देखो यहाँ पर ऊपर पत्थरों से पानी टपक रहा है भाई। तू ओ पता नहीं हमें इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी 4:30 समथिंग होने वाला है। तो अभी रात भी होने वाला है, वो मौका शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड में बांग्लादेश का आधा हिस्सा रिवर गिरता है। रिवर गिरता है ना भैया आधा हिस्सा? बांग्लादेश का भी हिस्से में रिवर है ना, नदी है ना बांग्लादेश का भी। तो उस साइड में हम लोग जा रहे हैं फिलहाल। अभी हम लोगों ने स्विमिंग वो जो अभी आर्मी इंडियन आर्मी है ना वो तो इधर में रुकेगा नहीं थोड़ा भी ना। ये पूरा का पूरा बांग्लादेश है इस साइड में। और ये जो साइड है इधर में यहाँ पर ये है इंडिया। ये बीच वाला पॉइंट्स के बाद यहाँ साइड का बांग्लादेश है। यहाँ पर बहुत सारे बीएसए बैठा हुआ है तो वो अलाउ नहीं करता है उस तरफ जाने के लिए। सो गाइस काफ़ी मज़ा आया डाउकी रिवर में ट्रैवल करके। अब अगर आप कभी भी शिलोंग मेघालय घूमने आओगे तो डेफिनेटली आप आ सकते हो, यहाँ का मज़ा ले सकते हो। काफ़ी मज़ेदार है नाव में चढ़ कर, हमें काफ़ी मज़ा आया, साथ में हमने स्विमिंग भी किया है। अब है हमारा इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर देखने के लिए। टैक्सी वाला भैया ने बोला है हमें लेके जाएंगे, आज ही कवर करेंगे, बट वो मौका हमें आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेट्स सी, होप फॉर द फिंगर क्रॉस, जाके पता चलेगा। यार नाव को पकड़ लो। चलो 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 भाई थैंक यू। हाँ चलो चलो भाई। हालत टायर्ड हो गया भाई सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। ड्राइवर भैया इंतजार कर रहा है हमारे लिए। ठंडा पानी मिलता है तो यहाँ पे मैंने किसी को लिया हुआ देखा। चलो भाई
सो गाइस फाइनली हम आ गए इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के यहाँ पर। ये जो देख रहा है ये जो गेट है, इस तरफ है इंडिया और उस तरफ है बांग्लादेश। ओए पकड़ना, बड़ा हैवी हो रहा है। झंडा देखना है झंडी यार, ये झंडी हम लोग का है, वो लोग का वो झंडी है, ये हम लोग का झंडी। वो झंडा तक भी नहीं, वो उन लोग तक भी नहीं जा सकते हम लोग, इतना सकेगा। हाँ हाँ हो जाएगा उतना होने से भी। So guys, देखो भाई ये बांग्लादेश से आया, और यहाँ पर काफी सारे BSF खड़े हैं। उस तरफ जाने के लिए हमें वीजा चाहिए, वीजा चाहिए ना हमें इस तरफ जाने के लिए। देख रहे हो भाई, ये है हमारा इंडिया का झंडा, और उस तरफ है ये बांग्लादेश का झंडा। यहाँ अंदर हमें जाने के लिए वीजा चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग हैं यहीं पर, मजे आ रहा है। फाइनली हम इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के यहाँ पर खड़े हैं, और देख भी लिया यहाँ पर इतने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं बांग्लादेश से इंडिया की ओर, और हमारे यहाँ BSF खड़े हैं बॉर्डर में। अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप गाइस आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।